दोस्तों, मैं प्रॉपर्टी क्लिनिक से लोचन मीरा, आपका दोस्त, आपका हमसफर। आज मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए क्या क्या लगता है, कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम लगता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पब्लिक की डिमांड है। हम प्लॉट्स बाजार करके एक सीरीज चालू किया हुआ है, 3 वीडियोस मेरे पिछले आए हुई है। आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो मेरे को काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए कि अलग अलग लोकेशन में क्या क्या रेट्स है, वो भी हमने दिए। कुछ लोगों के फ़ोन थे कि सर प्लॉट बता रहे हैं आप तो घर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो बराबर है, प्लॉट कितने का होगा, घर कितने का बनेगा, ये जानना तो उत्सुकता रहती है। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अभी जानना ये है कि अलग अलग लोकेशन के अलग अलग रेट्स होते हैं, पर लेबर, सीमेंट, रेती, गिट्टी, लोहा एक सिंपल रेट में एक ही रेट में मिलता है। ऑल ओवर नागपुर में एक ही रेट में मिलेगा, रदर देन अभी आजकल तो GST लगा हुआ, तो सारे इंडिया में भी एक ही रेट रहेगा। तकरीबन सारी चीजें सामने ही रहती है, नेट पे अवेलेबल रहती है। अभी हमने ये वीडियो बनाने के पहले आर्किटेक्ट से बात किए, आर्किटेक्ट से, ठेकेदार से बात किए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर से बात की, कुछ लेबर से बात की कि आज के डेट में रेट क्या चल रहा है, सैंक्शन को कितने पैसे लगेंगे। ये सैंक्शन छोड़ के बाकी सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलो हम बोर्ड के द्वारा समझते हैं इसको कि 1000 स्क्वायर फीट का नॉर्मल घर बनाने में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये 2019-2020 के रेट हमने अभी करंट रेट निकाले हुए हैं, तो उस हिसाब से हम आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो 2019-20 में अपन खड़े हैं, 1000 स्क्वायर फीट का नॉर्मल घर बनाने में कितना खर्चा आता है। अब तफसीलवार समझिए, अपना सुंदर घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेबर सबसे मायना रखती है, लेबर के बिना तो घर बनेगा नहीं। तो लेबर अलग अलग रेट्स में मिलती है, तो 180 रुपए से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर का खर्चा आता है। तो राउंड अबाउट हमने 2 लाख रुपए लेबर को लगेगा। अब जानते हैं कि सीमेंट कितना लगेगा। अब सीमेंट 160 बैग लगती है पूरा 1000 स्क्वायर फीट का घर, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 50 किलो की एक बैग होती है। तफसीलवार बता रहे, 8000 kg सीमेंट लगेगा। अब 8000 kg बोले तो 8 टन लगेगा। तो आज के रेट में जो भी भाव चल रहा है 280, 290, 300 रुपए, तो ये तकरीबन 45,000 रुपए का सीमेंट हो जाएगा। अब आते हैं सैंड, रेती जिसको बोलते हैं। रेती लगेगी 24 टन, 8 से 10 ट्रक, ये 16,000 की रेती हो जाएगी। गिट्टी लगेगी 24 टन। अब ये टन कैसे निकाले कि 8 टन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, मतलब 1:3 का रेशो रहता है, कभी 1:2, कभी 1:2.5, कभी 1:3। ये सब प्लास्टर वेस्टर सारा चीज हो जाएगा। तो मतलब गिट्टी 24 टन लगेगी, 8 से 10 ट्रक, वो भी 12,000 रुपए की गिट्टी लगेगी। अब आते हैं ब्रिक्स पे, रेड ब्रिक्स होती है। अब कुछ कुछ लोग फ्लाई ऐश की भी यूज करते हैं, तो 13,000 ईटे लगेगी टोटल नंबर्स। अब 13,000 कैसे काउंट किए हमने, पर स्क्वायर फीट का रेट निकाले, एक दीवार 10x10 की होती है, उसके कितना ईटे लगा, ये सारा आर्किटेक्ट ने हमको, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट से हमने बात करने के बाद यहाँ पे लाए हुए हैं। तो विद प्लास्टर आउटर और इनर 80,000 रुपए का खर्चा आएगा। स्टील कितना लगेगा, स्टील जमीन से लेके प्लिंथ में कितना लगेगा, कॉलम में कितना लगेगा, स्लैब में कितना लगेगा, तो स्टील लगेगा 80,000 रुपीज का स्टील लगेगा। आज का रेट चल रहा है 36,000 रुपीज पर टन। घर पे पहुंचते थे 2-4 हजार का खर्चा बढ़ जाता, लोडिंग अनलोडिंग टैक्स GST वेस्टी, तो हमने मोटा मोटा में 80,000 का लगेगा। अब इसमें स्टील का रेट हमने जान लिया, इलेक्ट्रिक फिटिंग अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपए का खर्चा आएगा। प्लम्बिंग वर्क आएगा विथ वॉटर टैंक, मतलब आपके घर में ऊपर टंकी रहेगी, टंकी से नीचे पानी आएगा, तो सदा 35,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। टाइल्स, किचन और के यानी किचन, अब जान लीजिए के यानी किचन होगा, टाइल्स किचन होता क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का, ये आपको 60,000 में पड़ेगा। डोर है, विंडो है, ये 55,000 यानी 55,000 रुपए लगेंगे। ये सारे रेट लेबर विथ मटेरियल है। अब आपको
डोर विंडो 50,000 के बाद कुटिंग और पेंटिंग अच्छी क्वालिटी आउट, ये आउटर और इनर ये 60,000 के आसपास जाएगा। तो ये टोटल खर्चा आता है 6,68,000, 6,68,000 यानी तकरीबन 7,00,000 के आसपास आएगा। अब इसके अलावा भी आपको जो करना है 20-25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का अपने पास मार्जिन है, तो वॉल कंपाउंड है, गेट है, थोड़ा सा कैरीज बनाने का है, गार्डन बनाने का है, हर घर का सपना होता है कि मेरे घर में 2-4 पेड़ होना चाहिए, ये सारा खर्चा अप्रोक्सीमेट इसमें आ सकता है। इसका घर बनाने में तकरीबन 6 महीने का टाइम लगेगा। और प्रमुखता से ये बात जानते हैं कि आपको ये घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप ले सकते हैं। मतलब आप अगर पहली बार घर बना रहे हैं तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 2,67,000 रुपए के आसपास का अपना बचत हो जाएगा। तो 7,00,000 में से 700 रुपए पर स्क्वायर फीट घर बनाने का खर्चा हमने निकाला हुआ है, तकरीबन 7,00,000 रुपए लगेंगे। 7,00,000 में से 2,67,000 रुपए माइनस हो सकते हैं, या आप जैसे लोन लीजिएगा, लोन के माध्यम से लिए तो ये आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अधिक जानकारी लेना है हमसे तो जानने के लिए बोर्ड लाइन के नीचे नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम आपको आर्किटेक्ट का सपोर्ट देंगे, ठेकेदार का सपोर्ट देंगे, कॉन्ट्रैक्टर का सपोर्ट देंगे, उसके बाद हम आपको सारी सामान कहाँ मिलते हैं, अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती है, प्लम्बिंग का सामान, इलेक्ट्रिकल का सामान, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।